नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम समाप्त। इस चरण में 91 निर्वाचन क्षेत्रों में बृहस्पतिवार को मतदान। उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज की। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष और राजस्व सचिव ने आयकर छापों के सिलसिले में निर्वाचन आयोग से चर्चा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीआरपीएफ के 54वें शौर्य दिवस पर बल के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसराइल में नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए मतदान जारी। बेंजामिन नेतन्याहू पांचवीं बार सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपरकिंग्स का मुकाबला आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स से। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 91 निर्वाचन क्षेत्रों में 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी संसदीय क्षेत्रों में मतदान होगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं। पहले चरण में ही असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की सभी सीटों के लिए और ओडिशा विधानसभा की 147 में से 28 विधानसभा सीटों के लिए बृहस्पतिवार को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ में माओवाद प्रभावित बस्तर निर्वाचन क्षेत्र में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। यहां लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान 11 अप्रैल को होगा। मतदान कर्मियों के 60 से अधिक दलों को पहले ही संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में भेज दिया गया है। नक्सल अभियान के विशेष महानिदेशक गिरधारी नायक ने बताया है कि चुनाव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव करना एक बड़ा चुनौती है। छत्तीसगढ़ पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस अच्छे प्लानिंग किए हैं और ये समस्त प्रक्रिया को शांतिपूर्वक करने के लिए छत्तीसगढ़ के फोर्स और बाहर से आए फोर्सेस तैयार हैं। मतदान पार्टियों की सुरक्षा, ईवीएम की सुरक्षा ये सबसे अहम मुद्दा है और इसको ध्यान में रखते हुए समस्त अधिकारी कर्मचारी को निर्देशित किया गया है कि आवश्यक कार्रवाई करें। इस बीच पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के लातूर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने उपस्थित जन समुदाय से कहा कि वे उनकी कड़ी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे और विकास कार्यों के जरिए उन्हें ब्याज सहित लाभ पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी है जो जम्मू कश्मीर के लिए अलग प्रधानमंत्री चाहते हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी इस रैली में मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को नक्सलवाद और माओवाद से मुक्त कराना उनका मुख्य उद्देश्य है। आतंक को हरा कर ही हम दम लेंगे, ये हमारा संकल्प है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादियों के मन में हमने एक नया विश्वास जगाया है। घुसपैठियों की पहचान का हमने वादा किया था, ये बड़ा काम हम शुरू कर चुके हैं। नक्सलियों पर प्रहार और आदिवासी भाई बहनों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए हमने दिन रात मेहनत की है। प्रधानमंत्री कर्नाटक में चित्रदुर्ग और मैसूरू में तथा तमिलनाडु में कोयम्बटूर में चुनाव सभा को भी संबोधित करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीसामी, डीएमडी के नेता विजयकांत और पीएम के संस्थापक रामदास भी प्रधानमंत्री की रैली में मौजूद रहेंगे। तेलंगाना में उग्रवाद प्रभावित 13 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार आज शाम 4 बजे समाप्त हो जाएगा। निजामाबाद लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार शाम 6 बजे समाप्त होगा। ओडिशा में इस चरण में 4 लोकसभा और 28 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 60 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह प्रत्याशी संबित पात्रा के लिए पुरी में एक रोड शो करेंगे। एक रिपोर्ट।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कठोर उपाय किए हैं। विभिन्न जिलों में कल तक 8,513 गैर सरकारी वारंट जारी किए गए। 3,28,00,000 रुपए से ज्यादा की शराब बरामद की गई। आचार संहिता के अनुसार सार्वजनिक स्थानों से 3,93,000 और निजी जगहों से 2,66,000 होर्डिंग हटाए गए। भुवनेश्वर से सुधांशु ढाड़ा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं त्रिलोकीनाथ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रोड शो किया। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है। एक रिपोर्ट। पहले चरण की 8 सीटों के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने में अब महज कुछ ही घंटे बाकी हैं और राजनीतिक दल रैलियों और रोड शो के जरिए वोटरों को लुभाने की जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव और पार्टी की पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज बिजनौर जिले में रोड शो किया। थोड़ी देर बाद वो सहारनपुर और कैराना में भी रोड शो करेंगी। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर बाद मेरठ में रैली को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख अजीत सिंह और भाजपा नेता संजीव बालियान मुजफ्फरनगर संसदीय क्षेत्र में अपने अपने रोड शो कर रहे हैं। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने धौरहरा, सीतापुर, मोहनलालगंज, फतेहपुर और कैसरगंज सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। असम में 5 निर्वाचन क्षेत्रों कलियाबोर, तेजपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़ और लखीमपुर में 41 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्य के हैलाकांदी जिले में एक चुनाव सभा में कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर युवाओं को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बराक घाटी के विकास के लिए कछार पेपर मिल और नौगांव पेपर मिल को फिर से खोलने को प्राथमिकता देगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, नेडा अध्यक्ष हिमंता बिस्व शर्मा और हथकरघा मंत्री रंजीत दत्ता अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। असम गण परिषद नेता कलियाबोर सहित कुछ स्थानों पर प्रचार में लगे हैं। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। इस चरण में इस महीने की 29 तारीख को 9 राज्यों में फैली 71 सीटों पर मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी, जबकि 12 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष और राजस्व सचिव ने देश में जारी आयकर छापों के सिलसिले में आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग के सदस्यों से मुलाकात की। राजस्व सचिव एबी पांडे और प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष पीसी मोदी को निर्वाचन आयोग ने बुलाया था। इससे पहले विपक्ष ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से पूर्व इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। निर्वाचन आयोग केंद्रीय राजस्व विभाग के अधीन काम करने वाली सभी प्रवर्तन एजेंसियों को पहले ही सलाह दे चुका है कि उनकी सभी कार्रवाई पूरी तरह से निष्पक्ष और भेदभाव रहित होनी चाहिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने कहा है कि दिल्ली के आयकर निदेशालय ने विभिन्न लोगों के पास लगभग 2,81,00,000,00,000 रुपए की बेहिसाबी नकदी का पता लगाया है। सीबीडीटी के एक बयान में बताया गया है कि एक प्रमुख व्यक्ति के घर से दिल्ली स्थित एक राजनीतिक दल के मुख्यालय को 20,00,00,000 रुपए की नकदी भेजे जाने का भी पता चला है, लेकिन उसने इस व्यक्ति या राजनीतिक दल के बारे में जानकारी नहीं दी है। दिल्ली के संभ्रांत इलाकों में कई बेहिसाब और बेनामी संपत्तियों का पता चला है। प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के इन मामलों की जानकारी निर्वाचन आयोग को दी जा रही है। चुनाव के दौरान कर चोरी और हवाला लेनदेन के आरोप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भोपाल, इंदौर और गोवा में विभिन्न भवनों पर कल भी छापेमारी जारी रही। उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि याचिका समय से पहले दाखिल की गई है, क्योंकि अभी तो सेंसर बोर्ड ने यह फिल्म प्रमाणित नहीं की है। न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता तथा संजय खन्ना की पीठ ने व्यवस्था दी कि अगर फिल्म 11 अप्रैल से पहले रिलीज हो जाती है तभी याचिकाकर्ता निर्वाचन आयोग में शिकायत कर सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आम चुनाव से संबंधित विशेष चर्चा जनादेश 2019 प्रसारित कर रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रतिदिन शाम 4:05 से 4:30 तक सुना जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। क्या खरीदने आई हैं भाभी जी? घर में पार्टी है ना भैया। अरे भाभी जी, ये गिलास, स्ट्रॉ, चम्मच, प्लेट, बोतल, हर चीज सिंगल यूज प्लास्टिक। जानती हूँ, प्लास्टिक का कूड़ा नीले कूड़ेदान में ही फेंकूंगी। भाभी जी, फेंक तो आप देंगी, पर ये प्लास्टिक लगभग 1000 साल तक यही रहेगा और धरती, पानी, पर्यावरण को खराब करेगा। अब करे सिंगल यूज प्लास्टिक पर चौतरफा बार, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। करे सिंगल यूज प्लास्टिक बंद, बन जाए अक्लमंद। अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अव्वल बनाए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ आज अपना 54वां शौर्य दिवस मना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर बल के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा, मरणोपरांत शौर्य पदक से आज सम्मानित वीरों की स्मृति को मैं नमन करता हूं। देशवासियों की रक्षा के लिए सदैव सचेत और सक्रिय रहने वाले पुलिस बलों ने राष्ट्र के प्रति समर्पण के अनेक असाधारण आदर्श प्रस्तुत किए। उनके सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में सीआरपीएफ आज के दिन शौर्य दिवस मनाती है। राष्ट्रपति ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद का मुकाबला करने में सीआरपीएफ की भूमिका सराहनीय है। 1965 में आज ही के दिन सीआरपीएफ की एक छोटी टुकड़ी ने गुजरात में कच्छ के रण में सरदार चौकी पर बहादुरी से लड़ते हुए पाकिस्तानी ब्रिगेड के हमले को नाकाम किया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 9 अप्रैल शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। होम्योपैथी के जनक क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानमन की जयंती पर आज विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने नई दिल्ली में 2 दिन का सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का विषय है, अनुसंधान को शिक्षा और डॉक्टरी प्रैक्टिस से जोड़ना। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। हिंदी का पीरियड था, पढ़ाने आई थी मिसेस बिश, आते ही लिख दिया आज की क्लास का विषय विशेष। हमारे देश के सैनिक जन है सटीक उदाहरण इसका, उनपे ना लागू वो नियम, सामान्य वोटर करते पालन जिसका। वो कर सकते हैं किसी को नामांकित अपने बदले वोट देने को, या पोस्ट से भेज सकते हैं अपना वोट चुनाव में हिस्सा लेने को। देश जिनके होने से सुरक्षित है वो सर्विस वोटर होने से चूके ना। याद रहे, इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। सर्विस वोटर्स लॉग ऑन टू servicevoter.nic.in और कॉल वोटर हेल्पलाइन 1950। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। इसराइल में नई संसद नेसेट चुनने के लिए आज मतदान हो रहा है। कुल 120 सीटों के लिए 14 प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 5वें कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उनके मुख्य प्रतिद्वंदी इसराइली सेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ बेनी गैंस हैं। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने कहा है कि राष्ट्रपति स्वालेह के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने के बाद से भारत और मालदीव के मैत्री संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता से भेंटवार्ता में श्री शाहिद ने कहा कि विकास सहयोग एजेंडा तेजी से लागू किया जा रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा 2019 के लिए आज से पंजीकरण शुरू हो गया है। विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति में बताया गया है कि यात्रा 8 जून से 8 सितंबर के बीच 2 मार्गों से होगी। पंजीकरण की अंतिम तिथि 9 मई है। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से आज रात 8 बजे चेन्नई में होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। इस चरण में 91 निर्वाचन क्षेत्रों में बृहस्पतिवार को मतदान होगा। उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज कर दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष और राजस्व सचिव ने आयकर छापों के सिलसिले में निर्वाचन आयोग से चर्चा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीआरपीएफ के 54वें शौर्य दिवस पर बल के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और इसराइल में नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए मतदान जारी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।